बहुत अंदर धमाल हुआ है, क्या क्या हुआ थोड़ा अगर आप कुछ बताना चाहेंगे। आप काफी डांस कर रहे थे मैंने बाहर से देखा, क्या कहना चाहोगे? बहुत डांस वगैरह किया हम सब लोगों ने, सिद्धार्थ अभिषेक पूरी गैंग ने उसकी जो है, और मज़ा तो आ रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं, अगर बाहर से अगर आप दिखा सकते हो तो वी ऑल हैड अ ग्रेट। ओके, सिद्धार्थ का बर्थडे काफी धूमधाम से मनाया गया, क्या कैसी बॉन्डिंग आप शेयर करना, कैसी दोस्ती हुई आप लोगों की, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? सिद्धार्थ मेरे छोटे भाई की तरह है, सिद्धार्थ और अभिषेक दोनों छोटे भाई जैसे हैं, और लगभग 5-6 सालों से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। एंड वो एक्चुअली सिद्धार्थ स्पेशली इस टाइप का बच्चा है जो इंस्पायर करता है सबको, सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभिषेक का क्या है, बहुत ही क्रिएटिव है, तो उसकी वो पार्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब अभिषेक फर्स्ट टाइम कैमरा खरीदने जा रहा था तो मुझे भी याद है कि यार उसमें ब्रो भाई मुझे कौन सा लेना चाहिए, लेंस कौन सा लेना है, कौन सा कैमरा लूँ, तो मैंने कहा यार अच्छा आई सजेस्टेड हिम, तो दोज वर द डेज। वहाँ से अभी आज वो खुद के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे क्रिएटिव वीडियोज़ बनाता है, रील्स बना रहा है। उसने इतना अच्छा शो किया अभिषेक ने, हीरो अपना सिद्धू अलादीन एंड नाउ इज डूइंग फिल्म विद सलमान खान, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। यू ऑल्सो डूइंग वेरी वेल शो, आपको बहुत प्यार दिया जा रहा है, आपके कैरेक्टर को प्यार दिया जा रहा है, सभी लोगों को प्यार दिया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे अविनाश के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है हम देखते हैं सोशल मीडिया में, क्या कहना चाहोगे तानिया सिस्टर के साथ? देखिए शो हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी कि पीपल आर लविंग इट, एंड माई बॉन्डिंग विद अविनाश, तानिया, राधिका बहुत ही अच्छी है, हम सबकी एक अलग ही गैंग है, एक अलग ही फ्रेंडशिप है जो नेक्स्ट लेवल है। मैंने इससे पहले किसी शो में ऐसी फ्रेंडशिप नहीं देखी जहाँ पर हम किसी को भी किसी लेवल पर अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, तो वो एक हमारी बॉन्ड। ओके, खतरों के खिलाड़ी काफ़ी आपका कलर्स का शो है, खतरों के खिलाड़ी कितना देखेंगे, क्योंकि फिनाले में जो जानकारी आ रही है फेजू है जो इन्फ्लुएंसर स्टार है और आप भी यूट्यूब में धमाका करते रहते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? फेजू, जन्नत दुबे, दे आर डूइंग वेरी वेल, मतलब उन्होंने काफ़ी लोग कह रहे थे ये इन्फ्लुएंसर स्टार है ये तो कर ही नहीं पाएंगे स्टंट, क्या कहना चाहोगे आप? राजीव को बोला गया तो सिर्फ जो क्रैक कर रहे, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, फिनाले तक पहुँच गए? मुझे भी नहीं पता था राजीव के अंदर इतना टैलेंट है, बट हाँ वो बिकॉज वो नेचुरली ऐसा ह्यूमरस और उसकी वो चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आई और वही उसके लिए फेवर में काम किया राजीव के। एंड अबाउट जन्नत एंड फैजू, दे बोथ है ग्रेट टैलेंट, अपने अपने पार्ट पे वो अच्छा कर रहे हैं, एंड आई थिंक इसीलिए अगर फैजू को ट्रॉफी मिली है तो उसी लिए मिली है, मिलने फिनाले तक पहुंच चुके हैं। ऐसा सुना है उसको यूट्यूब पे ऐसे दिखा रहे कि फैजू जीतेगा। हाँ मतलब के फैंस दिखा रहे तो फैंस अगर ऐसा है तो जो भी जीतेगा तो आई थिंक दे हैव दे गॉट टैलेंट, अगर टैलेंट है तभी ऐसे जीत पाएंगे, नहीं तो रियलिटी शो में ऐसे जीतना बहुत मुश्किल है, खासकर खतरों के खिलाड़ी जहाँ पर हर खतरे को आपको पार करना है, सो आई विश ऑल द बेस्ट टू जो भी जीते। और आप कभी दिख पाएंगे ऐसे शो में खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस में? ओके, आखिर में आपके एक सॉन्ग हम मिस कर रहे हैं, को कभी सॉन्ग करने का इरादा है, कोई सॉन्ग आने वाला है? एक्चुअली मैंने एक दो सॉन्ग्स किए हैं ज़रूरत करके, जी टी वी काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है जो मेरे फैन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, मैं बहुत ही चुनिंदा हूँ, मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं तो ही मैं करता हूँ, और अभी कुछ ऑफर्स हैं बट मैं बिजी हूँ शूट पर तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट होपफुली जैसे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं कोई म्यूजिक। आखिर में अपने फैंस से आप कुछ कहना चाहेंगे? फैंस को कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच गाइज, जैसे आप प्यार दे रहे हैं वैसे ही बरकरार रखिए, और हम लोग मैं और मेरी सारी टीम आप लोगों को निराश नहीं करेगी, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हम सब बहुत एंटरटेन करने वाले हैं आप लोगों को, थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, थैंक यू।